हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौविक में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आप लोगों को बताऊंगा एक जॉब की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी जो आया है बैंक के डिपार्टमेंट से, दोस्तों यहाँ पे मैं एक प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ जिसको मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला यहाँ पे जो जिस बैंक को बारे में यहाँ पे वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बैंक का नाम है IDBI। अब सभी लोग जानते हैं कि IDBI की एक प्राइवेट बैंक है बेस्ड इन इंडिया। तो दोस्तों, इसको बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या वैकेंसी निकला हुआ, इसके साथ साथ किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते पूरा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इसके बाद अब एप्लीकेशन करने के लिए तभी आपको दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा वीडियो देखें, इसके बाद ही मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि ऑफिशियली आप किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके साथ साथ और क्या क्या वैकेंसी यहां पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, इसके बाद ही मैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं IDBI के जो ऑफिशियल पेज है मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, करेंट ओपनिंग है चार्टर अकाउंट के लिए CA के वैकेंसी निकला है, इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। ऑनलाइन में जो एडवर्टाइज निकला हुआ उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन करने के बाद मैं इसका क्या क्या डिटेल्स आया है मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इसका जो ऑफिशियल पे जो निकला हुआ है मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 26 मार्च 2019 से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं और लास्ट डेट दिया हुआ है 8 अप्रैल 2019 के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, पोस्ट जो निकला हुआ है चार्टर अकाउंट के लिए, इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी निकला हुआ है 40। तो दोस्तों, 40 वैकेंसी निकला हुआ है इस पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पे आपको दिया हुआ है एज लिमिट यहां पे दिया हुआ है 35 से 45 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट क्लास इन एनी स्ट्रीम प्रेफरेबली कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और चार्टर अकाउंट CA के लिए, मिनिमम 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ जॉब प्रोफाइल दिया हुआ, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कीपिंग अप्रेस्ड ऑफ चार्ज एंड टैक्स लॉ। इसके साथ साथ दोस्तों, और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको 26 मार्च 2019 से आपका जो एप्लीकेशन के लिंक है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। अभी यहाँ पे जो इसका जो डिटेल्स है जो ऑफिशियली जो एडवर्टाइज है वो आया है। इसके साथ साथ नीचे इसका एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस फॉर्म को किस तरह से आप फिलअप कर सकते और किस तरह से आप ये इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको जो यहाँ पे फॉर्म दिया है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट, इनकम है एस एस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहाँ पे दोस्तों, जो लोग वीकर सेक्शन या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उन लोगों के लिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जिसको आपको फिलअप करके अगर आप देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ छाड़ मिलेगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो IDBI के जो रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है CA के। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, लिंक के नीचे लिंक दिया हुआ होगा, आप उस लिंक को क्लिक के एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन आपके पास रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।